वक्त को याद करो, सन 61 हिजरी रोजे आशूरा मैदान कर्बला वो सुलगती हुई रेत, सूरज अपनी आवाताप के साथ चमक रहा था, लेकिन एक चेहरा पुरनूर सर पे इमामा जुबा पर इनल्लाहुमा साबरीन का विर्द है, कमर झुकी हुई है, शायद अपने जवान भाई का कटा हुआ बाजू उठाया है, होठों पे खुश पपड़ी है, शायद कई दिनों का भूखा प्यासा है, लेकिन सबर का पैमाना लबरेज होने पर है, क्योंकि हुसैन इब्ने हदी के हाथों में अली असगर है। हुसैन ऐलान करते हैं, ए यजीदियो इस नन्ने अली असगर को दो बूंद पानी तो दे दो, ये प्यासा है, ये नन्ना बच्चा कितना पानी पी लेगा। मेरे भाई हुसैन चलती हुई रेत पर अली असगर को लिटा देते हैं, जैसे पानी से मछली को निकालते हैं ना, वो मुंह खोल बंद करती है, ऐसे ही अली असगर के लब हिल रहे थे। ये देखकर यजीदियों के संदिल फौजी भी मुंह पैक पैक कर रोने लगे कि ऐलान होता है, ए उर्मिला हुसैन के कलाम को कता कर दे। फिर होना क्या था, तीन मुंह वाला ऐसा तीर चलाया मेरे भाई, तीन मुंह वाला ऐसा तीर चलाया जिससे वैसी जानवरों का शिकार किया जाता है ना, वो तीर ऐसा चलाया कि अली असगर के सर को चीरता हुआ खाके कर्बला पर जा गिरा, लेकिन हुसैन है कि अब भी जुबा पर इन्नल्लाहुमा साबिरीन का विर्द है। मेरे भाई इमाम हुसैन ने अपनी सुन्नत का वो नमूना छोड़ा और ये बताया कि मैं मैदान कर्बला में इसलिए जा रहा हूं, मैं तारीख लिखने जा रहा हूं ताकि मेरी जिंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नमूने के तौर पर पेश हो। जबर के सामने उम्मत मुस्लिमा खड़े होने का और डट के उसका सामना करने का हौसला रखे, उस कड़ी को पैरी में जबर के सामने सीना तार कर खड़े हो जाना, और एक दो नहीं मुसलमानों, एक दो नहीं, सौ या हजार, पांच हजार नहीं, 22,000 यजीदियों के सामने अकेले तैयार खड़े हो जाना कोई तमाशा नहीं था, कोई मजाक नहीं था। 72 लाशों के जख्म सीने पर थे, बेटे भतीजे भांजे और बेटे की लाश उठा चुके थे, नन्ना अली असगर हाथ में दम तोड़ चुका था, जवान अली अकबर की लाश उठाई थी, 72 लाशें लाइनों में पड़ी थी बिन कफन के। जरा सोचो मुसलमानों, एक लाश अगर हमारे घर में गिर जाती है, एक मैयत हमारे घर में हो जाती है, तो हमें लगता है कि हमारे घर की रोशनी बुझ गई, हमारे घर का चिराग मिट गया, अब हमारे घर में रोशनी कैसे होगी। 72 लाशें लाइन में पड़ी थी, लेकिन जब वो नबी का नवासा मैदान कर्बला में तलवार को लहराता हुआ निकला, जुल्फिकार को लहराता हुआ निकला, तो चारों तरफ से आवाज आ रही थी, अरे ये कौन चीज पका रहे है, ये कौन तह सवार है, लिबास है फटा हुआ, लख लख कटा हुआ, जिसमें है चिना चिना कटा हुआ, फिर भी है चटा हुआ, ये नूरे नबी का ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है, ये बिल यकी हुसैन है। मेरे भाई इमाम हुसैन ने तुम्हें वो पैगाम दिया जब वो घोड़े से नीचे उतरे, मेरे भाई इतने जख्म जिस्म पर कि जिस्म जख्मों से चूर था, इतने जख्म लेकर जब वो सजदे के हालात में गए मेरे भाई, तो इन यजीदियों ने उनके सर को तन से जुदा कर दिया, उनके सर को कलम कर दिया, और इमाम हुसैन ने कहा मैं यही तो पैगाम देने आया था उम्मत मुस्लिमा को कि यह सर कट तो सकता है लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकता, अगर यह सर झुकेगा तो उसका अधिकार क्या देंगे। जिसने हक कर्बला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, सब कुछ उम्मत के खातिर फिदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन